जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राय सच की रफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में चल रहे हैं चुनाव, प्रधानी और जिला पंचायत के और सभी प्रत्याशी खूब जोर लगा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। आइए हमारे साथ है वीरेंद्र। वीरेंद्र को वीरेंद्र भाई कहता है, कोई दोस्त कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई बेटा कहता है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं अपने तीखे सवालों का जवाब देते हैं। श्रीमान जी, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र है जी। और आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय गाँव नियामतपुर, पोस्ट खेड़ीगला, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार जी। आपको चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह है मेरा गेहूं की बालियां। अच्छा, जो प्रत्याशी हो आपकी धर्मपत्नी? मेरे आजी। क्या नाम है उनका? बेबी। बेबी। अच्छा सर, राजनीति में आने का कोई कारण है, पहले से प्री प्लान था, या कुछ घटना ऐसी घटी जीवन में कि मुझे प्रधान बनना है और गाँव का सुधार करना है? मेरा राजनीति में आने का मेन मकसद क्या है कि मुझे अपने गाँव का विकास करना, क्योंकि आज तक जितने भी प्रधान बने हैं उन्होंने गांव के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। मतलब ये आपका आरोप है या मुद्दे की लड़ाई? आरोप नहीं, मेरे मुद्दे की लड़ाई है। मुझे इस जनता के, जो मेरी गरीब जनता है, इस जनता का मुझे विकास कार्य करना। तो आपके गांव में पिछली योजना में कोई विकास कार्य नहीं? जी नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा रखता हूँ कि इस जनता से जनता मेरा सहयोग करे और मैं जनता का सहयोग करूँगा और इनका विकास कार्य में काम करूँगा। कितने कैंडिडेट हैं इसी गाँव से? 5 है जी। 5। अच्छा, आप ही को आपकी की गांव की जनता क्यों चुने? वो अच्छाई के लिए। अच्छाई के लिए? अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ उन्हें तो मुझे चुनेगी, और बाकी 4 हैं उन्होंने अच्छे लग रहे हैं उन्हें चुनेगी। अच्छा, पता चला कि आपने स्ट्रीट लाइट लगाई और रोडों का निर्माण भी आपने अपने निजी फंड से कराया? जी। ये सच है जी? ये मानवता थी या वोट बैंक के लिए करवाया? नहीं, ये मानवता। अच्छा, अगर गांव ने आपको 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया तो आपने क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई है, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं आप अपने गांव में? परिवर्तन में ही करना चाहता हूँ कि आज तक हमारे जो है प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने हर गांव को शौचालय कही, लेकिन आज के बाद मेरा गाँव शौचालय मुक्त नहीं है। राशन का आपने 10 साल शादी हो गए, उनके राशन का नहीं बढ़े। जो हमारी वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन उनके पास नहीं है। जो विधवा है उनके पास पेंशन नहीं। अच्छा, मेरे चलते चलते 200 अगर किसी कारणवश गांव आपको नहीं चुनता तो आपकी ये मानव सेवा जारी रहेगी? मेरी जारी रहेगी जी। अच्छा, और हमेशा से जारी है, तब भी मैं सोचता भी था राजनीति माने के लिए, तब भी जो भी आया मेरे पास, मैंने पेंशन भी करवाई है, जो जितना भी मेरे से हुआ उतना करवाया और करवाता ही रहूँगा। चलिए, 26 तारीख को चुनाव है, आप अपने गांव वासियों से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे सच की रफ्तार के माध्यम से? मैं गांव वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो मेरा सहयोग करें और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए, अब आज इन्होंने वादा किया कि गांव की जनता को चुनती है 5 साल के लिए, तो जो पिछली योजनाओं में वादे नहीं पूरे हुए वो वादे पूरे हो गए। चलिए, हम भी आशा करते हैं। चलते चलते एक और बात, आपकी अपनी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है? हाई स्कूल। तो मतलब हो सकता है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा प्रधान पति इस गांव को मिले? जी। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और ऐसे प्रधान पति मिलते हैं तो बनते हैं तो हमारा गांव, हमारा देश विकास करता है। अभी आपको तय करना है कि 26 तारीख को जो चुनाव होगा आप किसको चुनते हैं। चुनाव पर जब आप जाए तो एक बार सोच विचार करके जाए, शराब की बोतल में 500 या 1000 रुपये में अपना वोट ना बेचे, सही जनप्रतिनिधि को चुने, जब भी आप और आपका गाँव विकास करेगा। आप मेरे साथ ही लगातार बनाए, मैं आपका अपना राजन नहीं सच।